हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके कैफ़े। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर रेलवेज एंड एसएससी एस्पिरेंट्स। बेसिकली बात करें तो एसएससी और रेलवेज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। इसका रीज़न क्या है, देखिए अभी मैं कुछ टाइम से पैटर्न एक तरीके से एनालाइज़ कर रहा था, और इस बार जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अगर जो आपका जीके का लेवल मैंने देखा है, जो आपका सभी जानते हैं टीसीसी आपका एग्ज़ाम वेंडर है, चाहे वो एसएससी का हो रेलवेज़ का हो, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को एक तरीके से कंडक्ट कराती हो टीसीसी है, तो जीके का लेवल वाकई में बढ़ गया है क्या? तो बेसिकली मैं आपको बोलूँ तो हाँ, बिल्कुल बढ़ा है जीके का लेवल अगर हम देखें तो। और इसमें क्या इसमें चेंजेस हुए हैं जो आपके ऑल सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं को लेके मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन से, चाहे वो सीजीएल के हो, चाहे सीएचएसएल के हो, एमटीएस के एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवेज़ के कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी वगैरह हो, या अपकमिंग अभी आपकी वैकेंसीज आएंगी उनके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसलिए वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊँगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, खासकर रेलवेज़ और एसएससी की, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं हाल ही में कुछ 3-4 साल से इसका ट्रेंड देख रहा था, जो ट्रेंड में हालांकि बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। सभी सब्जेक्ट को डिटेल में आपको एनालाइज करके मैं बात करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जो आपके सब्जेक्ट से यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अगर आप देखेंगे तो हर किसी का ओवरऑल एक तरीके से पैटर्न एक सेम रखता था, बट इस बार आप देखेंगे चेंजेस देखने को मिले हैं, तो उसी को बहुत डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात जो ज़रूरी है, देखिए आपको क्या करना है, पढ़ना कैसे ये अब ज़रूरी है, आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी में चेंजेस करने पड़ जाते हैं। देखिए हमेशा से एक पैटर्न नहीं रहता, आप सभी जानते हैं, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवेज़ का हो, हमेशा से जो भी वेंडर आता है वो अपने एक तरीके से अलग तरीके से पैटर्न लेकर आता है, और टीसीएस लगातार बदलाव करा। अगर हम देखें तो पहली बात कर लेते हैं करंट अफेयर को लेके। देखिए अगर मैं करंट अफेयर को लेके अगर आपको बोलूँ तो करंट अफेयर का, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से कहता था 6 मंथ्स की आपकी करंट अफेयर पूछी जाती थी, राइट? बट इस बार अगर आप देखेंगे, मैं 2-3 साल से आपको देख रहा हूँ इस एग्ज़ाम्स को जो है टीसीएस लेता है, अब यहाँ पर करंट अफेयर थोड़ी पुरानी पूछी जा रही है। और मैंने आपको हमेशा से बोला था फोकस आप 6 मंथ्स में करें, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा बदलाव करें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपको 1 साल की करंट अफेयर पर पकड़ रखनी पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है एसएससी के कई एग्जामिनेशन में, जैसा भी हाल ही में आपका सीजीएल का पेपर हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था 6 मंथ्स की करके जाएगा, तो ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। बट अगर आपके एग्ज़ाम में 25 में से, चाहे वो रेलवेज हो एसएससी हो, अगर वहाँ पर मान के चलिए 100% में से आपका करंट के 6 महीने की करंट अफेयर पूछी जा रही है, तो वो 70% है। बाकी अगर आप देखेंगे तो 30 से 40%, ये थोड़ा ऊपर नीचे वेरी हो सकता है, आपका 1 साल की करंट अफेयर पूछी जा रही है, 1.5 साल की भी पूछी जा रही है, बट इतना पुराना जाने की ज़रूरत नहीं, जो आपको फैक्ट है उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो 1 साल की करंट अफेयर पर आपको जाना ज़रूरी है। इस बार अगर आप देखेंगे, कई लोग इसमें थोड़ा सा अलग बात भी कहेंगे कि एनटीपीसी में 2 साल पुरानी पूछी गई थी, तो देखिए ये कोई लॉजिकल नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ उसके रीज़न, मैं आपको बता दूँ रीज़न उसका, ये क्योंकि देखिए आपकी 2019 की वैकेंसी थी, इसलिए भी आपकी करंट अफेयर पुरानी पूछी गई। चाहे एसएससी के भी कोई 2-3 एग्जाम्पल आप देखेंगे, वहाँ भी 2 साल पुरानी पूछी गई थी, उसमें यह था कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे, किस कारण, आपके जो कोविड आया था उसके कारण। तो ये कारण है कि 2 साल पुरानी करंट अफेयर पूछी जाती है, बट आपको वहाँ पर इतना फोकस रखना नहीं। हाँ, 1 साल पर आपको 100% अब फोकस रखने की ज़रूरत है, कि अगर आप पूरे पूरे मार्क्स लेकर आना चाह रहे हैं तो। पूरे पूरे किसी के नहीं आते, मेरे भी नहीं आए कभी करंट अफेयर में, बट हाँ अगर आप 100% की आपकी करंट अफेयर आ रही है, तो आप टारगेट रखिए कि 80 से 85% आप इसमें कमांड करके चले, तभी आपके सही होंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज इसका हमेशा से रहता है, और अभी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। करंट अफेयर का वेटेज अभी भी सबसे नंबर 1 पर ही है, जो मैं आपको एक लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने लास्ट के 3-4 साल के पेपर खुद को एनालाइज करके देखा कि कहाँ पर किस तरीके का पैटर्न रहा, तो ये देखेंगे तो फर्स्ट मैं इसी की प्रायोरिटी में दूंगा आपको, फर्स्ट में आपको इसको रखना है, और आपको करंट अफेयर जो आपकी है उसको 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल की करंट अफेयर पे फोकस रखना है। बट अगर आपका रिसेंट का पेपर चल रहा है, कोई डिले नहीं हुआ या पुरानी नहीं है, तो आपको 6 महीने पे ज़्यादा फोकस रखें। ये आपका पहला जो फिक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पैटर्न ये आपका करंट अफेयर का रहा था, अगर मैं आपको बेसिकली पॉइंट से समझा दूँ। देखिए दूसरी बात, एक और चीज़ मैंने देखी कि इसमें रटी रटाई करंट अफेयर नहीं पूछी गई थी, जैसे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था इस बार का, बहुत हाईलाइट तरीके की पूछी गई थी, और ऐसी पूछी गई थी जो हम जिसको ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं अगर हम बेसिक से देखें तो। जैसे मैंने आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद थे, मैं आपको डिस्कस करके अगली कई सी वीडियो में बताऊंगा, बट अगर मैंने जो देखा, ज़्यादातर ऐसे नहीं थे जैसे हम वन लाइनर अपॉइंटमेंट याद करके चले जाते थे, वैसे टाइप के नहीं थे, वैसे थे कि आपको न्यूज़ में एक तरीके से करंट के साथ अपडेट रहना ज़रूरी है, हमको रट्टा नहीं मारना, ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़े बहुत मैंने चेंजेस जो देखे, और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको हाईलाइट पॉइंट पर ज़्यादा फोकस रखना है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। ऐसा कई जगह करंट अफेयर आपकी पूछी गई 3-4 साल में, तो मेरा कहने का मतलब है 1 साल में बड़ी बड़ी इवेंट को ज़्यादा फोकस रखिएगा, वहाँ से करंट अफेयर बहुत पूछी गई आपकी अभी रिसेंट के एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो, राइट? इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। देखिए स्टैटिक जीके का वेटेज मैं बात करूँ, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाती है या कई बार स्टैटिक जीके, बट इनका ऊपर नीचे चलता रहता है, बट इन दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप 100% का पेपर लेके चल रहे हैं तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 30 या 40% आपका ये दोनों सब्जेक्ट कैरी करते हैं, बहुत वेटेज सब्जेक्ट हैं दोनों के दोनों, चाहे वो आप एसएससी की बात करें चाहे रेलवेज़ की। अब देखिए स्टैटिक जीके का मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले क्या हुआ करता था, बहुत वन लाइनर, जो मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था, हम क्या करके चले जाते हैं, नेशनल पार्क हो गए, राइट? ये आपके बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे आपके डांस फॉर्म हो,
गए, उनको याद करके चले जाते थे। अब वो पैटर्न रहा ही नहीं, मैं स्टार्टिंग से आपको कह रहा था, और इस बार बच्चों ने उस चीज़ को गलती करी है और कई लोगों को उसका नुकसान भी हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि आपको स्टैटिक जीके थोड़ी डिटेल्ड में पता होनी चाहिए, राइट, डिटेल में। अब कोई लोग आप अलग अलग चैनल्स में देखते हो अलग चीज़ है, मैं हमेशा से बोलता हूँ आपको, चाहे मेरा चैनल है उसको फॉलो ना करें, आप खुद उठाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और लास्ट 5 ईयर्स के पेपर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एक पैटर्न किस तरफ चल रहा है। अगर आप देखेंगे पहले अलग हुआ था तरीके से होता था, बहुत नॉर्मल कर आपकी स्टैटिक जीके पूछी जाती थी, अब डिटेल की पूछी जाती है। आपके कई बहुत पॉइंट ऐसे देखे, जैसे मैंने आपको बताया था स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना थी उसके भी डिटेल पॉइंट पूछे गए थे, और मैंने आपको अपनी 5 आवर्स की जो वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी। 6 आवर्स की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है 6 आवर्स के नाम से, वहाँ पर आपको स्टैटिक जीके की मिल जाएगी एक वीडियो, उसमें लगभग 2 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। तो उसका यही पैटर्न मैंने आपको बताया था, जैसे डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरी है। अगर कोई भी आपको बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है तो उससे रिलेटेड जितना आपको हो सकता है नॉलेज रखना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा कि ये बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, हाँ एक दो शिफ्टों में आपके पूछ लिया जाएगा 5 में से 1 क्वेश्चन, बट उसका कोई मायने नहीं रहे क्योंकि वो सभी को पता है, बट उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत ऐड नॉलेज करके चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा, स्टैटिक जीके का जिस बार के NTPC के एग्जाम हुए थे चाहे CHSL के, आप खुद कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा, जैसे मैंने आपको बोला था वैसे तरीके से लोगों ने प्रिपरेशन करी थी। ई बुक भी ली थी मेरी, अगर आपने नहीं ली तो उसको ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। साथ में आपको वीडियो जरूर देखनी है 5 आवर्स की मैंने जो आपको प्रोवाइड करा रखी है। अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% मेरे पेपर पूरे मेरे उसी पैटर्न से आया है जो मैं आपको बोलूँ, हाँ तो मैं बोल सकता हूँ 90% जो मेरा एक तरीके से कंटेंट मैंने आपको दिया वहाँ से पेपर आपका आया, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करें गवर्नमेंट एग्जाम में, राइट। हाँ अभी कुछ जो 10% जो मैं आपको बोल रहा हूँ चेंजेस करने हैं वो मैं भी करूँगा, क्योंकि कई डांस फॉर्म ऐसे थे जो मुझे बताने ज़रूरी थे, वो मैं इंक्लूड करके आपको अपडेट करके जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा। अपडेट आपको फ्री में मिल जाती है जब भी मैं आपको दूँगा अपडेट करके, ई बुक कुछ टाइम की वजह से मैं आपको नहीं दे पा रहा, कमी हो रही थी उसकी, अपडेट जब भी होगा फ्री मिलेगा। बट आप वेट ना करें कि कहीं आप सोच रहे अपडेट होगी तभी मैं आपको हमको ई बुक लेनी है, उतना वेट ना करें, उसमें एक मोर देन सफिशियंट कंटेंट है, बट आपको एक थोड़ा एडिशनल देने के लिए उसमें अपडेट करने की जरूरत है, वो मैं आपको जल्दी करके प्रोवाइड करा दूँगा, राइट। बस आपको यही मैंने आपको बताया, स्टैटिक जीके को आपको 100% श्योरिटी के साथ देना है, जरूरी नहीं आप मेरी ई बुक ले रहे हैं कहीं से भी कर रहे हैं खुद सेल्फ नोट्स बना रहे हैं, बट इसको प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे आपके SSC के एग्जाम में और इस बार के NTPC में भी ये देखने को मिला है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी करा था मेरे काम को कि आपके क्वेश्चन बहुत आए मेरे जो पढ़ाए हुए थे जो आपके 5 आवर्स के वीडियो से लगातार 3-4 क्वेश्चन वहीं से मिल गए थे। तो उसी तरीके से आपको पढ़ना है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको पढ़ने का तरीका क्या होता है स्टैटिक जीके को, राइट। बाकी देखिए एक चीज़ मैं आपको और इंक्लूड कर दूँ, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने कितना उस चीज़ को रट्टा मार के याद कराया, वहाँ पर आपकी नॉलेज को एक तरीके से चेक किया जा रहा है, नॉलेज के बेस में ही क्वेश्चन पूछे गए थे, रट्टाफिकेशन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे गए थे। तो याद रखिएगा थोड़ी नॉलेज के साथ पढ़े, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप जैसे मैंने बताया था आपको लता मंगेशकर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंट के एग्जाम में, मैंने आपको बताया था एक ओवर थिंकिंग आपके बारे में होनी चाहिए कि जैसे मान के चलिए आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिकली उनके बारे में आपको सभी पता है पॉइंट क्या है कि उनको जैसे उनकी कौन फेमस बुक्स है, मैंने आपको बताया था उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या रखना है कि भारत रत्न उनको कौन से साल में मिला था, आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट एक हमारा एक थोड़ा सा साइकी ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तो उनके बारे में हमको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और रिसेंट के कोई एग्जाम में पूछा गया था तो यही आपको सेंस लगा के करेंगे, जितना डिटेल में रहेंगे उतनी दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो ये चीज़ हो गई स्टैटिक जीके की, बाकी ई बुक लेनी है तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा देखिए, मैंने आप हमेशा मैं हिस्ट्री यहाँ पर रखता था, बट मैंने इकोनॉमिक्स इसलिए रखी है, ये नहीं कि इसका वेटेज ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका वेटेज जैसा मैंने आपको बताया था वैसी था। इस बार के NTPC में थोड़ा बहुत अलग देखने को क्या मिला है कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 100% है, जो देखिए पैटर्न जो रहता आपके एग्जाम में वो मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, ये नहीं कि जो मैंने बोला था, मैंने आपको बोला था कि इसको करके ना जाए, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस पर भी कई लोग ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि आपने बोला था और हम इसको करके नहीं गए थे, बट मैंने एक साथ में इंक्लूड एक बात और करी थी कि आपको करना नहीं है, रीज़न उसका मैंने ये दिया था क्योंकि देखिए 12th लेवल की आपकी या ग्रेजुएट लेवल की आपकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इस बार के NTPC के क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, इंस्टा पे कई लोग मैसेज करें कि आपने इकोनॉमिक्स के लिए मना करा था बट ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो 12th लेवल के या आपने ग्रेजुएशन अगर इकोनॉमिक्स से करी वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको डिटेल में अभी अगर अभी आंसर किया आएगी तो मैं डिमांड करूंगा बच्चों से वो सेंड करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स के जो एक तरीके से यूजलेस थे, उनको करना ही, और बच्चों ने उसमें एफर्ट लगाया बहुत टाइम तक पढ़ा और कुछ फ़ायदा उसका हुआ नहीं। खुद देखिए मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का रहा है, मेरी ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स से ही रही है, मेरे को खुद मैं अगर मैं उस क्वेश्चन को देखूं, मेरे पास एक दो एस्पिरेंट्स ने भेजा था रेवेन्यू का एक तरीके से ग्राफ पूछा था, रेवेन्यू की किसी फॉर्म के रिलेशन में पूछा गया था, मुझे भी समझ में नहीं आया था अगर मैं आपको बोलूँ तो आप समझ सकते हैं पैटर्न किस तरीके का पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये समझना है अगर पैटर्न नॉर्मल है तो आप तैयारी करें, बट इतने हैवी लेवल में आपको जाने की जरूरत नहीं जहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए मात्र, वो भी बहुत रेयर है, किसी शिफ्ट में पूछ लिए गए तो कईयों में नहीं पूछे गए। तो कहने का मतलब यही है कि इकोनॉमिक्स को अगर आपको करना है तो कुछ मेन जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं जैसे आपके पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, राइट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको ये बोलूँगा स्किप कर लें तो बेटर रहेगा आपके लिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है
टाइम ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, आप ज़रूर करिए, मेरा मानना यह है। बाकी मेरा मानना ये रहता है कि स्किप भी करके आप आगे बढ़ सकते, ज़्यादा इशू इसमें नहीं होता, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की पूछेगी, बहुत अच्छा लेवल जो मैंने आपको बताया। मेरा खुद का ग्रेजुएशन रहा है ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स, बट मुझे भी कई प्रॉब्लम हुई, ऐसे कई क्वेश्चन जो मुझे भेजे गए जिनका मुझे भी एग्जैक्टली आंसर समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या होगा। हाँ वो अलग बात है कि ऑप्शन होते तो मैं थोड़ा एलिमिनेशन के थ्रू उसमें बता देता। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो उसको बिल्कुल स्किप करें, अगर टाइम है तो आप उसको जिस तरीके से पढ़ते हैं वैसे पढ़ लें, बट मेरे को हिसाब से ये यूज़लेस है। इसके बाद आप चलते हैं कंप्यूटर में। देखिए मैंने जो आपको बोला था कंप्यूटर, मैंने बोला था इसका वेटेज कम रहता है, इसको बिल्कुल ना करें, सेम वही पैटर्न रहा है। इस बार भी आपके एक से दो क्वेश्चन NTPC के एग्जामिनेशन से पूछे गए थे, CHSL में भी एक से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए मैंने फिर वहाँ पर भी एक चीज़ इंक्लूड करी थी, मैंने आपको बोला था कि अगर आप कंप्यूटर अगर आप कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको आपके क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे आ रहे कि इसकी शॉर्ट फॉर्म कौन सी है या इसका रिलेशन क्या है। मैंने आपको बोला था आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है कंप्यूटर के बारे में, वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और यही आपको देखने को मिलेगा। इस बार देखिए आपके शॉर्ट कीज़, जैसे विंडोज 10 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कोई फाइल को हाइड करने के लिए आप कौन सी शॉर्ट कीज़ को यूज़ करेंगे, ये आपकी बेसिक कंप्यूटर की तो नॉलेज हो गई। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पूछा गया था आपके MS Word के, ये देखिए मैं आपको ये नहीं कि मैं अभी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रखी GK की कोई भी लेकर, चाहे वो रेलवेज हो चाहे SSC हो, आपको मैंने दिखेगा तो मैंने आपको दोनों चीज़ें जो आपको इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर बताई वही आपको देखने को इस बार भी मिला था। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज अच्छी है आपकी तो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे MS Word के बारे में आपको नॉलेज है, नहीं है तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, नहीं तो स्किप करिए क्योंकि इसका ज़्यादा वेटेज नहीं रहता। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा आपको 50 में से 50 मार्क्स नहीं लाने, वो कोई भी नहीं ला सकता, मैं खुद नहीं लाया तो कोई मैं किसी और को कैसे बोल सकता हूँ। बेसिकली मेरे भी खुद इतने मार्क्स रहे थे 50 में से, और इसका यही रीज़न था कि एक दो क्वेश्चन बिल्कुल बेतुके होते जिनको आपको छोड़ के ही चलना पड़ता है। राइट, स्मार्ट स्ट्रेटेजी काम करना, हमको हार्डवर्क पर ज़्यादा काम नहीं करना अगर टाइम हमारे पास कम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री का। देखिए हिस्ट्री का नॉर्मल पैटर्न रहा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही दो एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ इसमें था नहीं। हाँ एक दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे, बट वो हर बार हर शिफ्ट में होते हैं तो उसमें ज़्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं। राइट, तो हिस्ट्री के जैसा पूछा गया था सेम वही था। हाँ अगर आपको ई बुक लेनी है मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। अभी कई लोग पॉलिटिक के ऊपर भी ई बुक बोल रहे हैं, मैं अभी ऑलरेडी मैंने स्टैटिक जी के और हिस्ट्री के ऊपर ही ई बुक बनाई है, बाकी मैंने ई बुक वाकई के ऊपर भी बनाई है, बट अगर आप रेलवेज वगैरह की तैयारी करें तो आपके लिए ये दोनों सफिशिएंट रहेगी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके। राइट, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डिटेल में, जैसे मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इस बार भी ये देखने को मिला था। तो इसमें कुछ नई चीज़ें चेंजेस देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको यहीं पर आपको सम वैरायटी के अकॉर्डिंग रखा है। पॉलिटी देखिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था आर्टिकल्स पे आपको वर्क करना, और यही इस बार देखने को मिला था। आर्टिकल्स आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आर्टिकल से पूछे गए थे, और मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर ही वर्क करना, अदर चीज़ों पर नहीं जाना। जैसे कई लोग बहुत डिटेल में जाते हैं पार्लियामेंट में, बहुत डिटेल के क्वेश्चन पढ़ते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं, आर्टिकल्स याद करके चल जाइए, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भी मैंने हाल ही में एक पॉलिटी की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, वो भी आपको 6 आवर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देख लीजिएगा उसको, वहाँ से भी कई क्वेश्चन फंसे थे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पैटर्न सेम चल रहा है, इसमें कोई नए चेंजेस देखने को नहीं मिलते पॉलिटी और हिस्ट्री में। हाँ एक आध क्वेश्चन बहुत अलग से पूछे गए थे जो हर बार हो जाता है, वो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ तो पढ़ना पड़ेगा। राइट, तो पॉलिटी के लिए आप जहाँ से पढ़ रहे पढ़ें, बट इसका वेटेज अच्छा रहता है और थोड़ा सा लेवल इसका कम रहता है, वास्ट इतना है नहीं सब्जेक्ट, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। साइंस की बात करें, देखिए आपके साइंस का वेटेज फिर भी नॉर्मल है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम से बोला था, इस बार भी देखने को मिला है। NTPC के एग्जाम में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, जितना मैंने पता करा है बच्चों से। बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी बहुत नॉर्मल थे, एक क्वेश्चन उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, एक आध हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन अच्छा था जिसमें आपको थोड़ी नॉलेज अच्छी चाहिए थी, बाकी आपके बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट, तो मेरा मानना है कि अगर आप साइंस जैसे भी करें ल्यूसेंट वगैरह से पढ़िए, इसमें आपको नई चीज़ें करने की जरूरत नहीं, ना तो आपको NCERT पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि चाहे रेलवेज हो चाहे SSC हो सेम पैटर्न रहता है। हाँ ये अलग चीज़ हो जाती है अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करें तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिकली आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके साइंस के ही पूछे जाते हैं, तो वो अलग है स्ट्रेटेजी। मैं यहाँ पर आपको नॉर्मली जो ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको डिस्कस करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। देखिए अगर आप प्रायोरिटी देखेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था इसको प्रायोरिटी कम देना है आपको ज्योग्राफी को, और इस बार भी हुआ है। देखिए अगर मैं पूरे शिफ्टों के अकॉर्डिंग बात करी, मैंने जो आपके लेवल सारे एग्जाम्स के हुए थे वहाँ पर कहीं भी आपके NTPC हो चाहे CHSL हो, वहाँ ज्योग्राफी के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और जो पूछे गए बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपका एक पास का नाम दे दिया गया था कि शायद जो जिला पास पूछा गया था कि कहाँ पर है, बहुत नॉर्मल लेवल के थे। तो ये मैं आपको हमेशा से कहता हूँ आपका ज्योग्राफी हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है, हिस्ट्री, ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न पर ही पेपर आते हैं, नए जी इसमें चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, और आपको वर्क इसमें बहुत कम करना है ज्योग्राफी में। अगर आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है तो ज़रूर पढ़िए, बट अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत लास्ट में लेके चलें, बाकी इन सब्जेक्ट का आप वर्क करें जो मैंने आपको एक तरीके से ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है। राइट,
तो क्लियर हो गया होगा कि टीसीएस आपका पैटर्न क्या कह रहा है। क्रक्स अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट का, क्या आपका टीसीएस का जो लेवल है ये आपका एग्जामिनेशन का लेवल बड़ा है वाकई में, पहले के अकॉर्डिंग नहीं रहा है। आपको करंट अफेयर पे थोड़ा और एफर्ट देना पड़ेगा, 6 महीने पे ज़्यादा आपका काम चलेगा नहीं, 1 साल की करंट अफेयर करनी पड़ेगी। स्टैटिक जी की आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप मेरा कंटेंट यूज़ कर लेते हो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती वैसे। बाकी कोई नए चेंजेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर का मैंने आपको बता ही दिया है। हिस्ट्री पॉलिटी में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। साइंस भी आपकी वैसी पूछी जा रही है, हाँ अगर ऊपर नीचे कभी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपके जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वैसे बेसिस में पूछे जा रहे हैं, इनके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे आपके ल्यूसेंट वगैरह कर सकते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा इन सभी सब्जेक्ट को लेकर, आपको साथ में प्रीवियस 100% लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ही आपका बैकबोन है एग्जाम्स के लिए। बाकी ज्योग्राफी अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, बस आज की वीडियो को लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और ई बुक लेनी है तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। पॉलिटी की ई बुक के लिए बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, उसके लिए मैं अभी प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, जब भी होगी मैं आपको चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। राइट, तो बस आज की वीडियो को लेना है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।